अभी मैंने ओला बुक कर दी है तो OTP भी आ चुका है, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब भी अभी मैंने जस्ट बुक किया है तो अभी देखते हैं गाड़ी आ रही है। और ये गाइस देखो, आप मुंबई की सुबह देखो, ये अभी तो अभी से ही मतलब कितना व्हीकल जा रहा है, और हमारे यहाँ दमन में तो इतना सुबह इतना कुछ देखने को भी नहीं मिलता है। और ये हम होटल के बाहर ही खड़े हैं, ये ऊपर होटल था, और अभी गाड़ी आ चुकी है। बहुत ही स्पीड में है ना, बहुत जल्दी हो गया है ना। बहुत जल्दी स्पीड में, मतलब कि 2 मिनट के अंदर आ चुकी है गाड़ी। मैंने अपनी बुक किया 2 मिनट से पहले यहाँ पे पहुँच चुकी है। लेकिन ओला इधर का बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप लोग भी आते हैं तो ओला से जरूर बुक करें, अच्छा है। બોર્ડિંગ પાસ કરી શકીએ। Thank you।
फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं आप? हम आ तो चुके हैं, लेकिन एक काम करो, बोलने से पहले हाँ अभी भी बता दो। अच्छा सो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, मुंबई टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल नंबर 1। ओके, और हमारी फ्लाइट है 9:25 को मुंबई टू। अभी मैं नहीं बताऊंगा, वही प्लेस पे जाके हम लोग बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो टर्मिनल नंबर 1 पे मतलब कि आपको पता चल गया, होगा मतलब डोमेस्टिक के लिए, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी सब चेकिंग वेकिंग हो चुकी है। हाँ, तो ये मेन बात है कि चेकिंग के टाइम कैमरा सब दे देना पड़ता है, तो शिफ्ट नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग भी आओगे तो मालूम पड़ जाएगा कैसा नहीं होगा। और दूसरी बात कि हमारा फर्स्ट टाइम है और हम दोनों ही आए हैं और हमारे साथ कोई भी जानकार वाले पर्सन नहीं है। तो हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप भी आ सकते हो, अकेला सकते हो और घूम सकते हो, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं ये एक्सपीरियंस कैसा होगा, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है अंदर मन में। और पहली बार इतना बड़ा मैंने तो प्लेन देखा है, पहली बार देखा है, पहली बार। हाँ, पहली बार। अभी हम लोग ना यहाँ पे कुछ पीने के लिए कॉफ़ी या कुछ ढूंढते हैं। मालूम है कि यहाँ पे बहुत कॉस्टली, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। यस, और पहली बार है, सब एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं पता है तब भी सबको पूछ के हम कर रहे हैं सब। और देखते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है हम दोनों को, है सभी, देखते हैं क्या होता है। सो अभी मैंने कैपेचिनो लिया है और इसने मसाला टी। मैंने मसाला टी लिया है। तो अभी चाय तो नहीं मिलती है, मतलब चाय नहीं पिया है मैंने तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कैपेचिनो। अभी देखता हूँ या बिना शुगर का है, सेपरेट है। मैं भी ट्राई करूँगा, ये अकेला नहीं, मैं भी पीऊँगा उसमें से। मैं नहीं दूंगा उसको कैपेचिनो, बहुत ही हमारा तो मतलब क्या चाहिए, चाहे तो चाहिए, तभी दिन की शुरुआत होती है। तो अभी कितना बजे करीब, कितना टाइम कितना हुआ मुझे नहीं देखा ना। हाँ पकड़, चलो ठीक है। अभी तो 8:30 बज रहे, तो बस 9:25 को ट्रेन है। बाद में ट्रेन में जाते हैं ना, इसलिए ट्रेन याद आ रहा है। अभी हमारी फ्लाइट है। तो पहली बार जो एयरपोर्ट पे होने के बावजूद भी मैं ट्रेन बोल रहा हूँ, तो चलो ठीक है, मिलते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, गेट नंबर हमारा 28 है। फ्लाइट अभी भी टाइम है, यानी कि घंटा टाइम हो गया। हाँ, अभी 9:25 को फ्लाइट है, लेकिन बैठ चुके हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि हमें एयरपोर्ट पे बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट कौन मिली, टीना दत्ता जी हमें मिली है। तो हमें क्लिप भी ली है और सेल्फी ली है, तो वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है शिप नंबर, जैसे कि हमारा 28 नंबर था, तो यहाँ पे इन लोग अनाउंस करते हैं कि 25 to 32। तो बीच में जो हमारा नंबर आ जाता है 28, तो जैसे अंदर जाना पड़ता है, तो इन लोग इस तरह ऐसे बुलाते हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो और लाइन टू लाइन जाना पड़ता है। अभी हम लोग अंदर की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो सुपर एक्साइटेड वी आर। अभी दिख रही है कोई और फ्लाइट दिख रही है, थोड़ा देखते चलते हैं। और
पहली बार ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कौन से सीट नंबर? ये तो होता ही है, मतलब होना ही चाहिए। बहुत ही एक्साइटेड है और क्या पता कुछ बोलने के लिए वर्ड्स नहीं मेरे पास। एक बात बताऊँ, ये अभी फ्लाइट में बैठा लेकिन जैकेट लगे वो लगा मुझे ठंडी लग रही है। ये अच्छा हुआ मैंने, मेरे को तो ठंडी नहीं लग रही है क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि बात ही मत पूछो, आपको बाहर के भी दिखाते हैं। It's a pleasure to welcome you all aboard. We are ready for our departure. However, as expected, Monday morning blues in Mumbai, we have air traffic delays. We expect something like 10 to 15 minutes before we push back, and thereafter we shall be on our way. For most part, expect a smooth flight. However, do take cognizance of the seatbelt signs. A few bumps here and there are expected. I'm sure a crew led by his partner will take care of you. And have instruction card located in the seat pocket in front of you. Thank you for your kind attention. देवी और सज्जनों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि DGCA के निर्देश अनुसार विमान में मदिरा पीना और धूम्रपान वस्तुओं जैसे सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, पर्सनल वेपराइजर्स, वेप पेन्स, ई सिगार्स, ई हुक्का, वेपिंग डिवाइसेस आदि का उपयोग और चार्जिंग वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। उड़ान के दौरान सीट बेल्ट साइंस बंद होने के बाद मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड पर किया जा सकता है। भारत सरकार के नियम अनुसार डिफेंस हवाई अड्डों पर तस्वीरें खींचना मना है।
अभी हम लोग आ चुके हैं हमारा लगेज लेने के लिए नंबर 7। अभी तक नहीं आया। अभी तेरा बैग नहीं आया? आएगा आएगा। मैंने मेरा बैग कलेक्ट कर लिया। अभी हम एग्जिट की ओर जा रहे हैं और देखते हैं कोई कुछ मतलब हमारा होटल करीब यहाँ से 26 to 27 किलोमीटर तक दूर है से, तो हम लोग देखते हैं क्या पास में मिलता है, अच्छा मिलता है। और एयरपोर्ट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है बेंगलुरु का। अभी क्या करना है, ओला बुक करना है या फिर क्या करना है? सोच रहा हूँ ओला बुक करते हैं, देखते हैं। तो हम सीधा आपको अपना होटल पे ही मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, इस एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं, उसको कैंट को वाला क्या बोलते हैं? ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना। अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिर से वापस आएंगे शाम को। वाओ, ऑसम। क्या हुआ? अरे मैं ये ओला ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे ओला वाले हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे अभी बता नहीं रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं पूछ लेते। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं, हम लोग को कार नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु में ये अच्छा है कि सब व्हीकल मिल जाते हैं, लेकिन हमें हमारा जो होटल है जिस होटल जो एरिया में है वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही दूर है, सो उसके लिए कार फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखते अभी आगे बात करते क्या है क्या नहीं, बने रहिए आप। And I knew once to give, I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. So finally, हम टैक्सी मिल गई है. Finally, हमें टैक्सी मिल चुकी है और अभी निकल चुके हैं, तो यहाँ से करीब 37 किलोमीटर बता रहा है जहाँ पे हमारी होटल है। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी बैठे, तो चले हमारे साथ भी बने रहे।
यहाँ पे इतनी मतलब थोड़ी कम भीड़ लग रही है और क्लीन दिख रहा है मेरे को आसपास का जगह, ये सारे क्लीन है और पूरे ट्रैफिक का नियम का पालन करते हुए सब आना जाना कर रहे हैं। थोड़ा थक चुके हैं लेकिन अभी जाके एक दुकान पे आराम तो जरूर करेंगे। एयरपोर्ट से बहुत ही लंबा होटल है, एयरपोर्ट से बहुत लंबा पड़ा है लेकिन चलेगा। सिटी एरिया एयरपोर्ट से करीब 37 किलोमीटर दूर है। बालकनी चेयर ओपन वॉशरूम भी मस्त है। उसका टूर का वीडियो बाद में बताएंगे हम लोग। बहुत भूख लग रही है इसलिए हम लोग ने ये होटल में ही खाना मंगा लिया है क्योंकि दोपहर का टाइम था इसीलिए। तो ये चिकन चिली है और ये चिकन राइस है, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे कैसा लगता है कैसा नहीं। क्या ऑर्डर किया तूने? ऑर्डर क्या किया? मैंने ये ऑर्डर किया है चिकन चिली और ये चिकन राइस। ठीक है तो अभी खा लेते हैं हम लोग, बहुत भूख लगी है मुझे। ये होटल में ही मंगवाए हैं हम लोग ने। सर दर्द भी मेरा हो रहा है तो पहला खाना जरूरी है। हाँ उसको थोड़ा लग रहा है, बिना खाया है ना इसीलिए। हाँ तो अभी खा लेते हैं हम लोग, मिलते बाद में। टेस्ट कैसा है? टेस्ट किया तूने? ठीक है, डिफरेंट तो है। साउथ का चिकन, साउथ का मसाला, ये सब डिफरेंट होता है, अच्छा लगा है। आप भी ट्राई कर सकते हो इधर आके। केला केला खा ना।